आज हमने बनाए हैं मटर और पनीर के राइस। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी कि आप कभी भी बना के किसी को भी खिलाएंगे उनको बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों को टिफ़िन में या ऑफिस के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, या झटपट कभी कुछ बनाना हो आप ये बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मटर, बारीक कटे हुए लंबे लंबे बारीक काटे हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्च का मोटा मोटा पेस्ट, और पनीर को हमने फ्राई कर लिया है और राइस भी वो बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी। उसमें हमने प्याज डाल दिए हैं, अदरक हरी मिर्च डाल दी है और मटर। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि मटर जो है वो जल्दी से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो नमक मिला के हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर ढक के पकने देंगे जब तक कि हमारे मटर और प्याज जो है पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो जब मटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं तब अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए हैं। अब इन सब को अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाला जो है वो पनीर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, उससे अच्छा फ्रेश और बढ़िया टेस्ट आएगा। और उसके बाद में हम जो बॉईल किया हुआ हमारा राइस है वो भी इसी में मिला देंगे। राइस को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। बस इनको मिला देंगे हम अच्छी तरह से, और जब मिल जाएगा तो हमारा मटर और पनीर का जो राइस है वो रेडी हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बन के तैयार हो गया है मटर पनीर का राइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।